सभी लोग अपने घर के लिए विंटेज डेकोर, कंफर्टेबल सोफा, फ्लोरल बेडशीट्स, ये सब चीजें परचेज करते हैं, लेकिन सिर्फ डस्ट इनफ है इनकी लुक्स को और इनके कंफर्ट को स्पॉइल करने के लिए। और डस्ट में सिर्फ मिट्टी नहीं होती, इसके अंदर होते हैं प्लांट पॉलन्स, फैब्रिक फाइबर्स, डेड स्किन सेल्स, और जैसे कि आजकल हॉट और ह्यूमिड वेदर है तो ऐसे में डस्ट माइट्स की प्रॉब्लम भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे में अपने घर को डस्ट फ्री रखना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपका घर डस्ट फ्री रहेगा। Hi all, my name is Ila and welcome back to Her Fab Way. Let's get started with today's video. But before that, do not forget to join us on Instagram. My Instagram handle is Her Fab Way. First thing is कि आप notice करिए कि dust आपके घर में कहाँ से enter हो रही है। जैसे कि हमने यहाँ बालकनी में कुछ plants रखे हुए हैं और door के नीचे जो space होती है वहाँ से dust और कभी-कभी insects भी घर के अंदर आ जाते थे। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये अंडर डोर ड्राफ्ट स्टॉपर, जो कि आपके डोर को एकदम सील कर देता है। इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। सिर्फ डस्ट ही नहीं, ये एयर को भी ब्लॉक करता है, जिससे अगर आपने अपने रूम में एसी ऑन किया हुआ है तो उसकी कूलिंग भी रूम से बाहर लीक नहीं होती। दिस विल हेल्प यू सेव ऑन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज वेल। यहाँ पर हमारा स्टॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा लगे तो आप सिंपली एक पेपर कटर लेकर इसको कट कर सकते हैं। इससे डोर ओपन या क्लोज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिल्कुल स्मूथ है। इट्स परफेक्ट एंड इट टोटली सॉल्व्स द पर्पस। हम अपने घर के बाहर डोर मैट तो रखते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली यूज़ करे बिना ही घर के अंदर एंटर कर लेते हैं। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा करना अवॉइड करें, इसको बिल्कुल भी कैजुअली ना लें। जब भी आप कहीं बाहर से आएं, तो स्पेंड एटलीस्ट 5 सेकेंड्स ऑन योर मैट। अपने शूज़ को अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद ही घर में एंटर करें। Now, it's always better कि शोराग आपके घर के बाहर या फिर आपके एंट्रेंस पे ही प्लेस्ड हो। लेकिन अगर आपके घर में ऐसी कोई स्पेस नहीं है तो एंट्रेंस के क्लोजेस्ट रूम में ही अपने शोराग को प्लेस करें। हम सभी लोग हर वीक अपनी बेडशीट चेंज करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी मैट्रेसेस, पिलोज, क्विल्स, इनको धूप भी लगा लेते हैं। लेकिन जो हमारे कर्टन्स होते हैं या फिर अपोस्ट्री होती है, जैसे कि हमारे सोफ़ाज़ हो गए या फिर फैब्रिक चेयर्स हो गई, इन पे भी बहुत डस्ट होती है, इसलिए हमें इन्हें भी फ्रीक्वेंटली क्लीन करना चाहिए। इसके लिए आप एक स्लीक ब्रश ले सकते हैं जिसके ब्रिसल्स लॉन्ग भी हों और सॉफ्ट भी हों। इस तरह के फैब्रिक ब्रशेज यूज़ करके चेयर्स को, सोफ़ाज़ को डस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। स्पेशली हमारी सीट्स के पीछे और साइड में जो स्पेस होती है वहाँ पर विद टाइम काफ़ी डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, लेकिन इन ब्रशेस के स्लीक डिज़ाइन की वजह से हम उन स्पेसेस को भी परफेक्टली क्लीन कर सकते हैं। इस ब्रश की ग्रिप भी बहुत कंफर्टेबल है और क्योंकि इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हैं, इसलिए ये आपके फैब्रिक को भी डैमेज नहीं करता। सो नाउ यू कैन सी हमारा सोफ़ा अच्छे से क्लीन हो चुका है, चाहे वो प्लेन हो या फिर पैटर्न्ड, उन पे से पूरी डस्ट रिमूव हो चुकी है। सिमिलरली जो हमारे कर्टन्स होते हैं उन पे भी बहुत डस्ट होती है, स्पेशली टुवर्ड्स द टॉप, इसलिए 3 मंथ्स में एटलीस्ट एक बार अपने कर्टन्स को ज़रूर वॉश कर लें। एक डस्ट फ्री होम के लिए इट्स अ मस्ट। जब भी स्टॉर्मी वेदर होता है तो घर के अंदर डस्ट आ जाती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम घर के डोर्स और विंडोज़ को बंद कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। सबसे पहले आपके किचन में जो भी यूटेंसिल्स कैबिनेट्स के बाहर रखे हुए हैं या फिर जैसे कटलरी है, उसको आप एक फ्रेश टॉवल से कवर कर लें ताकि डस्ट उन पर सेटल ना हो। उसके बाद आप अपने बेड को किसी भी वॉश बेडशीट से कम्प्लीटली कवर कर लें। इस तरह से जो डस्ट के माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उससे आपके मैट्रेसेस, क्विल्स, कुशंस और पिलोस ये सब प्रोटेक्टेड रहेंगे। सिमिलरली आप अपने फैब्रिक सोफ़ास और चेयर्स भी ज़रूर कवर कर लें।
हैबिट को मैं पिछले काफ़ी ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस तरह से डस्ट के माइन्यूट पार्टिकल्स आपके मैट्रेस, पिलोज या फिर सोफ़ा में एंटर नहीं कर पाते। और एक बार वेदर नॉर्मल हो जाए तो आपको सारी चीज़ें वॉश करने की या क्लीन करने की नीड नहीं होती, आप सिर्फ इन बेडशीट्स को वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट सीजनल वेयर्स। जब भी हम अपने ऑफ सीजन क्लोथ्स को स्टोर कर रहे होते हैं तो वी मेक श्योर कि वो डस्ट से और मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड रहें। इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू यूज वैक्यूम बैग्स। वैक्यूम बैग्स रीयूजेबल होते हैं, ये हमारे क्लोथ्स को डस्ट और मॉइस्चर से तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, साथ में ये हमारी बहुत स्पेस भी सेव करते हैं। और यहाँ हमने अपने बेड बॉक्स में सारे वुलन क्लोथ्स को वैक्यूम बैग्स में स्टोर कर रखा है। सिमिलरली आप अपने ब्लैंकेट्स, क्विल्स, सारी चीज़ें वैक्यूम बैग्स में स्टोर कर सकते हैं और ये मार्केट में अलग अलग साइज में अवेलेबल हैं। माई नेक्स्ट टिप इज़ टू यूज़ द राइट वैक्यूम क्लीनर। जब भी आप कोई वैक्यूम क्लीनर परचेज करें तो मेक श्योर कि वो पावरफुल तो हो ही लेकिन साथ में लाइट वेट भी हो। इस तरह से हार्ड टू रीच कॉर्नर्स की क्लीनिंग भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। मैं ये वैक्यूम क्लीनर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स जस्ट परफेक्ट। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके अंदर डस्ट बैग नहीं बल्कि डस्ट कप है, जिससे इसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ ही में इसके अंदर है ये हेपा फिल्टर जो कि डस्ट के एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स 0.3 माइक्रॉन से भी कम उनको भी फिल्टर कर लेता है। विद इन सेकेंड्स आप अपने सभी कॉर्नर्स क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि आपकी वीकली क्लीनिंग में बहुत टाइम सेव होता है। जो भी हमारे क्लटर्ड कॉर्नर्स होते हैं वो ऑफकोर्स देखने में तो अनटाइडी लगते ही हैं, बट हम उनको अननेसेसरीली डस्ट से एक्सपोज भी कर रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक एन इन्विटेशन टू अ लॉट ऑफ डस्ट। इसीलिए चाहे वो हमारी बेड साइड टेबल हो या फिर हमारी वार्डरोब, सभी कॉर्नर्स को प्लीज़ क्लटर फ्री रखिए। इस तरह से आप उनको लेयर्स ऑफ डस्ट से तो प्रिवेंट कर ही पाएंगे, साथ ही में उनकी क्लीनिंग भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। वी मस्ट रिमेंबर दैट अवर होम इज अवर लिविंग स्पेस एंड नॉट स्टोरेज स्पेस। अ क्लीन एनवायरनमेंट इज अ हेल्दी एनवायरनमेंट, इट मेक्स यू फील हैप्पी एंड इट कीप्स यू मोटिवेटेड। माई नेक्स्ट टिप इज कि घर को क्लीन करने के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को यूज करें। इनको यूज़ करने के 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी सर्फेस को रेगुलर कॉटन क्लॉथ से साफ करते हैं तो जो डस्ट होती है या तो हवा में या फिर ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन जब भी हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज़ करते हैं वो डस्ट जो है इन पर लिटरली स्टिक हो जाती है। इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सभी डस्ट पार्टिकल्स हैं और इनको क्लीन करने के लिए यहाँ मैंने एक रेगुलर कॉटन क्लॉथ लिया है। इसको क्लीन करने के बाद हम देखेंगे कि क्लॉथ पर सिर्फ कुछ ही डस्ट पार्टिकल्स स्टक हैं, जबकि बाकी सारे डस्ट पार्टिकल्स नीचे फ्लोर पर गिर गए हैं। लेकिन अगर हम एक मैग्नेट का पीस ले लें और उसको इस कॉटन क्लॉथ के अंदर रख दें तो इसको क्लीन करने के बाद आप देखेंगे कि सारे डस्ट पार्टिकल्स इस कॉटन क्लॉथ पर ही स्टिक हो गए हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स भी ठीक इसी तरह से वर्क करते हैं। जस्ट लाइक अ मैग्नेट, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे इधर उधर गिरने की बजाय डस्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ पर ही स्टिक हो जाती है। और इसका सेकेंड बेनिफिट है दैट इट्स लिंट फ्री, जिसकी वजह से हमारे सर्फेसेस सिर्फ क्लीन ही नहीं हो जाती बल्कि वो शाइन भी करती हैं। As you all know, dust सिर्फ horizontal surfaces पे ही नहीं बल्कि vertical surfaces जैसे कि windows, walls, इन पे भी settle हो जाती है। And of course, they need regular dusting as well. Windows को clean करने के लिए सबसे पहले हम उस पर से dry dust को remove कर लेंगे।
उसके बाद मैंने ये ऑल पर्पस क्लीनर लिया है, इसको यूज़ करके हम वाटर स्पॉट्स और डस्ट मार्क्स को रिमूव कर लेंगे। वॉल्स को क्लीन करने के लिए मैं ये माइक्रोफाइबर डस्टर यूज़ कर रही हूँ, जिसकी रॉड को हम काफ़ी हाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी वॉल्स को, वार्डरोब्स को क्विकली और इंडिपेंडेंटली क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि घर को डस्ट फ्री रखने के लिए इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे एयर सर्कुलेटर्स हैं वो भी क्लीन रहे, क्योंकि अगर उन्हीं में डस्ट होगी सो नेचुरली जो एयर वो सर्कुलेट करेंगे उसमें भी डस्ट होगी। सिर्फ फिल्टर्स ही नहीं बल्कि इनके लोअर्स पे भी लेयर्स ऑफ डस्ट एक्यूमुलेटेड होती है। देयरफॉर फॉर अ हेल्दी एयर प्लीज कीप योर एयर सर्कुलेटर्स कंप्लीटली डस्ट फ्री। एक चीज में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, डस्ट नेवर डिसअपॉइंट्स, इजंट इट ट्रू। जिन कॉर्नर्स में हमारा ध्यान भी नहीं जाता वहाँ भी आपको डस्ट जरूर मिलेगी। इसलिए आपके घर में जो भी हिडन कॉर्नर्स हैं उनको ढूंढिए, आई एम श्योर डस्ट आपको भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो। इनमें से सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हाउ फैब पे। बाय।